What's up? Check this out. पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया यहाँ से. कम से कम नहीं भी तो कम से 50 कॉल आ गए एक तुम्हारा नंबर. मैं आपको साथ बताऊं, ये ना 80 के पार कब जा रही है ये तो पता ही नहीं चल रहा है यार. किसी ने ना एको के साथ छेड़ा छाड़ी कर दी है, देख रहे हो भयंकर. Guys, I'm really sorry to all the people. मैंने बहुत वेट करा और ये लोग इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़े हुए थे. Guys, I love you. Love you too. Love you too. बच्चा, क्या ले? बिल्कुल बढ़िया. Okay, okay. मैं आपका टीवी में देखती हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं. Thank you so much, auntie. आज मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे. शुक्रिया. आप आसाम से? मैं आसाम गुवाहाटी से हूँ. अच्छा अच्छा. और दिल्ली मेरे शादी हुई है. बाबू भैया, व्हाट्सएप पे मॉम है. आंटी नमस्ते. नमस्ते आंटी. चलो ठीक है, अभी मिलते हैं 5 मिनट. और यार मैं आपको बताता हूँ, सुजुकी की तरफ से एक छोटा सरप्राइज. ये वाला केक तो आपको पता ही हाई भूसक है, बट ये वाला केक हमारा इंस्टाग्राम 700 केक के लिए. सो थैंक यू सो मच सुजुकी एंड नवीन भाई. थैंक यू सो मच नवीन भाई. और अभी मेरे को एग्जॉस्ट और इस सीरीज में बहुत बड़ा डिस्काउंट देने वाले हैं, 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट. लीविंग और चेक दिस आउट, वी हैव गॉट दिस. वाह, इतनी खुशी हो रही है ना इसे स्टार्ट करने में. लुक एट द लोगो मैन. चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बॉयज, थैंक यू सो मच. ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ सर, बिग फैन सर, मेरे को भी एक ऑटोग्राफ सर. यार प्रणव भैया चला रहे हैं ZX NR और मैं चला रहा हूँ अपनी नई हायाबुसा. भव्य चला रही है थार. सो सब लोग अलग अलग बाइक्स और अलग अलग गाड़ियाँ चला रहे हैं. ओके ठीक है बॉयज. भाई मैंने घर का मीटअप ना गलत रख दिया, पता एक्चुअली मेरे को रखना नहीं. बस घर के अंदर मत घुसना है ना, घर के अंदर मत घुसना. चलो चलो ठीक है बॉयज. ओके पक्का भाई, दार्जिलिंग. एक सेकंड भाई उठा लेता हूँ भाई. हाँ ये बहुत भारी है भाई, टांगों के लिए लेना पड़ेगा भाई. चलो फुल पावर. ठीक है बॉयज, थैंक यू सो मच सबको. ओके भाई, बाय बाय. वेस्ट बंगाल, बस नेक्स्ट साइड वेस्ट बंगाल. बाय बाय गाइस. चलो आई लव यू, आई लव यू. फुल फुल पावर. चलो 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 ठीक है. ओके चलो भाई पक्का, मेरे को दिल्ली से बहुत मोहब्बत मिली है पक्का. ओके तो यार मैं अपनी हायाबुसा लेकर के निकल चुका हूँ. ओ भाई भाई, हायाबुसा पे फाइनली हम लोग. तो यार फाइनली हम लोग हायाबुसा चला रहे हैं अपनी. एंड भाई आई एम रियली हैप्पी टू गेट दिस बाइक. थैंक यू सो मच भाई, इतना अच्छा डिलीवरी गया ना आज. आई नेवर थॉट कि इतनी अच्छी डिलीवरी जाएगी. बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय, आई लव यू, थैंक यू सो मच. क्या डिलीवरी गया यार, सुपर हैप्पी. तो यार बहुत अच्छा लग रहा है अपनी ड्रीम बाइक चला करके. फिलहाल अभी भूसा में ना फ्यूल अप नहीं है, बट इसका कॉकपिट चेक कर रहे हो, क्या सही लगता है इसका कॉकपिट. इतनी खुशी लग रही है ना भाई. ओह बल्ले बल्ले. एंड यार आई नेवर एक्सपेक्टेड जिंदगी में यहाँ तक कभी पहुँच पाऊँगा. अभी ना इस पर एग्जॉस्ट नहीं लगा है, बट यार ये कितनी सही लग रही है. सब लोगों के रिएक्शन इतने भयंकर आ रहे ना. एवरीवन इज लाइक कि बाबू भैया आपकी हायाबुसा आ चुकी है फाइनली घर पे. एंड इसका कॉकपिट यार क्या मस्त है, सच्ची बता रहा हूँ. सारे फीचर्स हैं भाई इसमें, दिखा भी रहा है कि कितना फ्यूल बचा है. एक्चुअली 10R में आप लोगों को पता है फ्यूल गॉज नहीं है, बट इस पर फ्यूल गॉज है. सो गाइस हायाबुसा में ना पहला फ्यूल अप कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी वाले केवल 1.5 लीटर फ्यूल ही देते हैं. तो हमारी हायाबुसा का पहला फ्यूल अप होगा यार. तो यार बूसा का पहला फ्यूल अप हुआ है 17 लीटर का, 1650. इसकी टंकी ना 19 लीटर की है, जिसमें से 3 लीटर शायद रहा होगा इसमें फ्यूल, बट मैंने ना फिर भी ई पे इसको भरवा दिया था. हम लोग निकल चुके हैं फ्यूल अप करा करके. और ये भूसा इतनी बहुत हीट हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा हीट, हालत ख़राब हो रखी है मेरी तो इसको चला चला के. ओ भाई इसके ब्रेक्स देखने पड़ेंगे यार, अभी इसके ना ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं. भाई लेकिन क्या स्मूथ
क्विक शिफ्ट है यार इसकी, एकदम उठ रही है भयंकर। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys. मुझे पता है मैं ना कल रात बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ, इतनी एक्साइटमेंट थी ना। एंड थैंक यू सो मच यार इतना क्रेजी रिस्पॉन्स दिखाने के लिए डिलीवरी वाले ब्लॉग पे। आई एम रियली हैप्पी यार, इतने सारे लोग खुश हैं कि हमारी हायाबुसा फाइनली आ गई। मैंने कहा था ना थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब हम अपनी हायाबुसा ड्रॉप करेंगे तो एकदम बूम होगा। मैं आपको इंस्टाग्राम के हालात बताता हूँ, मैंने जब वो डिलीवरी वाली रील अपलोड करी थी ना, वो रील एक घंटे में 1.5 लाख थी। एंड अभी मैंने जब सुबह चेक करा तो वो रील अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन करने वाली है, नॉट इवन वन डे। और कमेंट, स्टोरी, शेयर और लाइक्स तो पूछो ही मत। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अभी ये शुरुआत हो रही है डेली से। एंड चेक दिस आउट, नीचे आप लोगों को दो ब्यूटीज दिख रही है, वो हमारी एको, वो हमारी हायाबुसा। मैंने बहुत टाइम से व्लॉग में बोलना चाहता था कि फाइनली आपके बाबू भैया दो सुपर बाइक्स ओन करते हैं 24 साल, तो मुझे लगता है कि मुझे टाइटल में ऐसा डालना पड़ेगा कि 24 ईयर ओल्ड ओनिंग टू सुपर बाइक्स ओनली इन इंडिया। बट यार आई एम रियली हैप्पी सभी चीज़ों के लिए। एंड आज का सीन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज हम लोग फाइनली अपने शहर देहरादून उत्तराखंड जा रहे हैं। मैंने घर पे एक मीटअप बोला है 4 बजे के आसपास, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। अभी सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 7, और हाँ आपके बाबू भैया अच्छे इंसान हो चुके हैं, वो सुबह सुबह जल्दी उठने लग गए। और मेरे साथ गाइज ये सब लोग भी उठ चुके हैं सुबह। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है, कैसी कैसी फील आ रही है हायाबुसा नीचे? भाई बस जल्दी चलो, अब तो चलानी है हायाबुसा। तो गाइस सब लोग तैयार हो चुके हैं, एंड हम लोगों ने सामान भी पैक कर लिया, बिकॉज हम लोगों को ना कैसे भी करके 11:30-11 बजे तक घर पहुंचना है, एंड अभी व्लॉग भी एडिट करके अपलोड करना है। तो आई रियली डोंट वांट कि आज का व्लॉग लेट हो, बहुत स्पेशल व्लॉग है। तो बैग्स उठाते हैं, नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको अपनी हायाबुसा गाइस। हां भाई, क्या कह रही हो, हाथ में 50 लाख रुपए लेके? मेरी मम्मी है मालकिन गाइस, मेरी मम्मी ना कल मेरे को फोन करके बोल रही थी, बहन कुछ नहीं है मम्मी है मालकिन, कल मेरी मम्मी ना फोन करके बोल रही थी कि ले ली तूने मेरी बाइक, मेरे नाम की बाइक, तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना। भले ये बाइक मेरे नाम पे आ रही है, बट ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू माय मॉम, और भव्य का कुछ नहीं है, बस थोड़े लेके जाओ फिर चलो। वैसे भी बहन ना पराया धन होती है, इसका झेल लेना, बाकी हम देख लेंगे। फ्यूल तो तुम ही करा रही हो भव्य, जो चलाएगा वही फ्यूल कराता है, ये तो रूल है। मैं चला ही नहीं, समीर चला रहा है। अभी हमारी थार पे ना अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए का फ्यूल और लगने वाला है घर पहुंचने तक का। 10,000 रुपए का फ्यूल तो लग ही चुका राउंड ट्रिप में, बट कोई नहीं गाइस, अमीर देशों में ये बात तो होती रहती है। अमीर देश संभालो ना फिर। मैं ना कुछ ज्यादा जल्दी सो के उठ गया ना, तो मैं अपेक्षा को पूछ रहा था, तुमने हायाबुसा नहीं देखी ना, क्या हो गया भाई, इतने शान शान के यूपी की लड़कियां ऐसी होती है क्या भाई? यूपी की लड़कियां तो मैंने ऐसे भी देखी। शर्मा जी यूपी से अगर कोई ये व्लॉग देख रहे हैं, अपेक्षा भारद्वाज ने ना आप लोगों की नाम कटा रखा है भयंकर। मेरे को तो ऐसा लगता था यूपी की लड़कियां सुबह उठते ही ना दंड बैठक मारती होंगी। दंड बैठक मारना आता है? उम्मी पापा दूं मैं तुम्हें? मेरी दोस्त को क्यों दूं मैं? तुम्हें तो मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की दोस्त दिख गई ना, बस उससे कलेशबाजी करवा दो, है ना मम्मी? कोई नहीं गाइस, एक दिन जब बाबू भैया शादी करेंगे ना एकदम मस्त सी सुंदर सी लड़की से, तब बताऊंगा मैं भव्या को। बोल आएगा? इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब तक मेरी जिंदगी में भव्या है ना, तब तक मेरी जिंदगी में किसी और लड़की का आना नहीं लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी तुम्हारी शादी करते हैं, फिर उसके बाद यूपी में कोई लड़का है क्या इसके लिए? आप ढूंढो तो, मैं खुद शादी कर लूंगी, आप ढूंढो तो अपने लिए। शक्ल देख के मना कर देगा भैया ब्रेसेस से। सो गाइस अभी हम लोग आए नीचे, और ये चेक करें भाई साहब, एक जगह हायाबुसा और एक जगह टेनार, और पीछे से चेक करे एको, देख रहे हो पीछे से कितनी सी है, और भूसा चेक करो भाई कितनी ह्यूज लगती है भाई। कल हम लोग जब ऊपर थे ना तो बहुत से लोग फोटोज भी खिंचा रहे थे, एंड कुछ लोग ना कॉलोनी में ना चॉकलेट्स भी देने आए थे हम लोगों को। बट आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं किसी से मिल नहीं पाया बिकॉज मैं ना बहुत थका हुआ था कल। तो जिन लोगों ने चॉकलेट्स दी ना गाइस इस जी वाले टावर से, शुक्रिया गाइस, बाबू भैया भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो यार अभी हम लोग रख रहे हैं थार में अपना सामान, हम लोगों ने अपने हेलमेट हेलमेट ना थार के अंदर रखे थे, बिकॉज अपेक्षा के घर में ना इतनी सारी चींटियां ना, ये देखो काट काट करके ना बुरा हाल कर रखा है भाई, पेस्ट करके गए हो। खाली कुरकुरे रखोगे नीचे, मैं इसीलिए खाली कुरकुरे नीचे, तुम्हारी क्लास में चींटियां लगी। हमारी जिंदगी में तो वैसे ही सब कुछ सुबह सुबह हो रहा है गाइस। हैशटैग तो गाइस प्रणव भैया चला रहे हैं एको, एंड मैं चलाने वाला हूं हायाबुसा। मैं बेसिकली ना प्रणव भैया को सेट करके दे रहा हूं, जब भी आप इसे चला दो ना भैया ये और ये अब नहीं निकलेगा हाईवे पे। तो पता है किसकी है? बाबू भैया की, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। लॉक नहीं किया था भैया, भी तो सुबह फोटोज ले रहे थे ना भैया, 500 रुपए हो गए आपके फोटोज खिंचाने के। मैंने रखवाली के कितने हो गए सुबह से? बॉम्ब सा ने मेरे पे क्यों भट रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैंने कुछ पाप किया क्या? तो अभी इसके एग्जॉस्ट नोट ना बहुत लो है, बट आने वाले कुछ दिनों में
ये भी एको जितनी लाउड हो जाएगी। गाइस भाई के हो चुके कोल्ड शॉट। और पता है आपको, मैं ना गोप्रो में एक चीज सोच रहा था कि मेरे गोप्रो में इतनी क्लोज फुटेज क्यों आ रही है। मेरे वाले गोप्रो का ना हाइपर बूस्ट एक्टिव हो रखा था, मैं ना पूरी वीडियो ना स्टेबिलाईज है बट वो क्रॉप इन करके रखता है, तो आपको ना वाइड नहीं दिख रहा होगा। यार किसी ने ना एको के साथ छेड़छाड़ी कर दी है, देख रहे हो भयंकर। तो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड अब जा करके पूरा ना वाइड एंगल शो कर रहा है। और अभी ना मेरे को इसके कॉन्सोल्स के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं है। भैया बहुत भारी है, बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत भारी, भयंकर पीछे भी नहीं मुड़ रही है। गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड सुबह सुबह बूसा का कॉन्सोल देख करके ना एकदम दिल खुशी हो जाता है। चलो ठीक है, बाय बाय ब्रो, ध्यान रखना, यूपी का नाम रोशन करना, IAS करो या पढ़ाई लगाई करो या क्या कर रही हो बाहर। गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और आज हाईवे पे ना पैर जलने वाले हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 7:30 हो चुके हैं यहाँ से निकलते हुए, बट बहुत गर्मी होने वाली है हाईवे पे। हायाबुसा को डाल दिया मैंने फुल पावर मोड पे, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल हो चुका है मैक्सिमम। एक सौ बीस चल रहे बॉयज, हाय 120 पे ना पता भी नहीं चल रहा है हायाबुसा की हम लोग 120 पे चल रहे होंगे। एंड ये ना थोड़े टाइम में हीट अप हो जाएगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इसे चलाना। तो यार अभी हम लोग रुके हैं फ्यूल अप पे। एक्चुअली बूसा में तो फ्यूल फुल ही है, हमें ना एक्चुअली एको में फ्यूल अप करवाना है। तो गाइस एको पे हो चुका है फ्यूल अप एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल। अभी पता है बूसा में ना एग्जॉस्ट नहीं है तो इतना खाली खाली फील हो रहा है ना कसम से ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल सिंगल सिलेंडर बाइक चला रहा हूँ भाई। एग्जॉस्ट तो चाहिए यार इन बाइक्स में, विदाउट एग्जॉस्ट ना कोई भी फन नहीं है ऑनेस्टली। बट आई एम रियली हैप्पी दैट यार आई एम ओनिंग माय ड्रीम। धीरे धीरे हम लोग लास्ट वाले ब्लॉग में ना किसी का एक कॉमेंट आता है कि बाबू भैया आप अपनी बूसा को ना ऐसा बनाना विच विल ओनली वन इन इंडिया। एंड जो प्लानिंग एंड मॉडिफिकेशन हम लोगों ने सोची भी है ना, आई स्वेयर अपॉन ये सबसे खतरनाक हायाबुसा होगी ओनली वन इन इंडिया, क्योंकि एको तो ना खतरनाक है यार, ये लगता भी नहीं कि ZX NR है। एंड सेम गोज फॉर द बूसा, बूसा में तो हमारे पास इतना रूम है ना मॉडिफिकेशन के लिए। बताऊँ ये ना 80 के पार कब जा रही है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी भी हम लोग 110 चल रहे हैं, कैन यू इमेजिन दैट। नॉर्मली एको में ना जब मैं ब्लॉग कर रहा होता ना तो मैं एको को 70-80 लेकर के आता हूँ, बट इस पर भी एग्जॉस्ट नहीं है ना, तो इस वजह से ना ये 120 पे भी नहीं पता लग रही है कि इतनी तेज चल रही है। बट कोई नहीं गाइस, कुछ दिन और फिर हम लोग एग्जॉस्ट लगा लेंगे इस पर। बट गाइस ये सपना कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों ने सोचा था कभी हम लोग हायाबुसा और एको ऑन करेंगे एंड नाउ वी हैव हायाबुसा एंड वी हैव एको। तो यार हम लोगों ने लिया था अपना सुबह का राइड का पहला ब्रेक। एक्चुअली हम लोगों को थार में ना फास्ट टैग लगवाना था, हम लोगों ने जब इसका शीशे चेंज कराया था तो इस पे फास्ट टैग नहीं था। तो अभी हम लोग हाईवे पे गाइस रुके हैं, भैया इस पे फास्ट टैग लगवा रहे हैं और इस पे बैलेंस भी आ जाएगा गाइस 150 रुपए का। आगे हम लोगों को यहाँ से ना 3 टोल देने पड़ेंगे, तो सारा काम हो चुका है, बस भैया को पेमेंट करनी बाकी है और फास्ट टैग भी लग गया गाइस। सो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर, हम लोगों ने फास्ट टैग भी करवा लिया एंड मैंने ना रिचार्ज भी करा दिया। नॉर्मली जब आप फास्ट टैग करवाओगे हाईवे पे तो ये 300 रुपए लेंगे आपसे, जिसमें से 250 रुपए आपका सिक्योरिटी बैलेंस आएगा और कुछ 100 का रिचार्ज आता है। तो यार हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी बज रहे हैं 8, देहरादून इज गॉन अभी अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स मोर ड्राइव। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो अपडेट कर दी थी मीटअप की, आई होप सब कुछ सही से अच्छे से चाहे। तो यार हम लोग उतर चुके हैं पेरिफेरल और अभी तक का जो हाईवे था ना वो हम लोगों ने मुश्किल 20 मिनट में कवर करा है। टाइम 8:30 हो गया यार, हम लोगों को ना जल्दी पहुंचना पड़ेगा बिकॉज फिर कांवड़ भी शुरू हो जाता है। एंड मैंने अभी आज का ब्लॉग एडिट नहीं कराया यार, तो अभी घर जाकर के ना थोड़ा सा काम है। एंड आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गया था ना तो मेरी नींद भी कम्प्लीट नहीं हुई यार। डेली ब्लॉगिंग में ना थोड़ा सा शेड्यूल टफ हो जाता है बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील हैप्पी कि नो मैं आप लोगों को कॉन्टेंट दे पाता हूँ। आज मेरे घर वाले इतने एक्साइटेड होंगे ना, मम्मी पापा इतने खुश होंगे ना कि फाइनली उनकी सुपर बाइक घर आ रही है हायाबुसा। मम्मा तो बहुत खुश होगी एंड शायद पापा ना भी घर पर नहीं है, पापा आज सुबह निकल गए थे 5 बजे, मेरी बात भी थी पापा से, तो मम्मी रहेगी घर पे। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड एंड चेक दिस वेदर, क्या मस्त मौसम हो रहा है। फिलहाल अभी हायाबुसा में ना फ्यूल ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है एंड इसका एवरेज कंपेरेटिवली सही है, 12-13 का एवरेज तो ये ईजी दे ही रहा है हाईवे पे। मैंने ना दिल्ली से अब तक इसे 200 किलोमीटर चला दिया है,
एंड एक फ्यूल टैंक पे आराम से हाई स्पीड पे ना 200 आराम से चल रही है, अगर मैं थोड़ा नॉर्मल चलूंगा ना तो 250 तक आराम से खींच लेके आ रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड का मौसम एकदम मस्त हो रहा है। फिलहाल अभी हम लोग बूसा में करा रहे हैं इसका सेकंड फ्यूल अप, और ये अभी एम्प्टी हो गई थी। मजा आ रहा है अपना भैया, फुल ऑन। तो भैया ने तो 10R को ऐसा पेल रखा है ना, एंड एक्चुअली अभी बूसा की पहली सर्विस नहीं है, तो मैं ना थोड़ा सा कंट्रोल ही रख रहा हूँ। जब इसकी फर्स्ट चेकअप सर्विस हो जाएगी उसके बाद हम लोग इसे पूरा खींचेंगे। फिलहाल 10R में इसलिए मजे आ रहे हैं प्रणव भैया को, क्योंकि ना उस पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मेरे को ना इसमें एग्जॉस्ट लगाने की बहुत एक्साइटमेंट है, और ये वाला फ्यूल अप होगा ऑलमोस्ट 17 लीटर तो नहीं होगा, 16 के अराउंड हो जाएगा। तो गाइस बाबू भैया वापस आ चुके एको पे, क्योंकि एग्जॉस्ट के मजे थोड़े तो लेने बनते ना, इतनी देर से मैं विदाउट एग्जॉस्ट वाली गाड़ी चला रहा था। बट यार बूसा ना बहुत कंफर्टेबल है, सच्ची बता रहा हूँ, 200 किलोमीटर कवर करके आगे पता ही नहीं चला। लेट्स गो। So guys, finally, हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं प्रणव भैया के घर। भव्या और प्रणव भैया ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं, बस मेरे को घर पहुंचना है अब, एंड मस्त नाश्ता करेंगे। हम लोगों ने सुबह से ज्यादा कुछ खाया भी नहीं है। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रणव भैया के घर, और भाई भूसा खड़ी आई नहीं। अब मैं बोलना, मैंने आपको गाड़ी में नहीं बिठाया, नीचे गाड़ी में नहीं बिठाया, बाइक देखी भी नहीं मैंने। आ जाओ जो नीचे, मैं आपको दिखा। नहीं नहीं, पहले तू खा ले बच्चे, कमर कितनी पतली है। सो गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। मम्मी बोले मेरी कमर बहुत पतली है। अरे आजकल ना लड़कियों को ऐसी कमरें पसंद आती है जो थोड़ी सी, हमारी कमर है तुम्हारी कमर। तो यार मैं मम्मी को दिखाने लेके जा रहा हूँ बाइक। एक मम्मी मेरी घर में, एक मम्मी आए, तो दो दो मम्मियों का प्यार जब आपको मिल रहा होता है। तो मम्मी ना मेरे को बहुत बोलती थी कि जब तू थार लेके आया तूने थार भी नहीं दिखाई। तो मैंने कहा आज मैं हायाबुसा लेके आया हूँ, तो मैं आप हायाबुसा देख लो फटाफट, और ना अंदर ही पार्क कर देंगे, पता है मम्मी। चेक दिस आउट। सही लग रही ना? बैठो। सीट बहुत गर्म होगी, लेकिन बहुत गर्म है सीट। कोई बात नहीं, इसमें तो गर्म है। मस्त लग रही ना? बहुत यूज है मम्मी, एको से बहुत यूज है, पता है आपको। इतनी सारियों के संभाली ना जाए। फुल पावर मम्मी।